हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम गर्ग और मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ इसी हेल्दी ऑरेंज जूस की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाने के लिए कि आपको किसी भी मिक्सर का यूज़ नहीं करना है, किसी मिक्सर जूसर का यूज़ नहीं करना है, ना आपको किसी मशीन का इसमें यूज़ करना है। सिंपल तरीके से आज ये जूस निकालने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा है। हमें जूस पीना तो सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट हम आलस की वजह से नहीं पी पाते हैं कि कौन मिक्सर जूसर को गंदा करे और ठंडे पानी में इतनी देर तक मिक्सर जूसर को हम धोएं, इसलिए हम आलस कर जाते हैं। तो यह रेसिपी आज आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसको बनाने के लिए मैंने 5 मीडियम साइज़ के ऑरेंज लिए हुए हैं, जिसको हम इन सभी को मैंने साफ पानी से धो लिया है। धोने के बाद हम सिंपल इनको बीच में से काट लेंगे और काटने के बाद एक बड़ा सा बाउल लेंगे, इसमें एक गिलास रखेंगे। गिलास को हमने उल्टा रखा हुआ है और कटे हुए सभी ऑरेंज को सिंपल तरीके से गोल गोल घुमाते रहेंगे, हल्का सा इनको प्रेस करते हुए गोल गोल घुमाएंगे तो आप बाउल में देखेंगे कि जूस इकट्ठा होना शुरू हो गया है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये जूस बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको आपको छीलने की भी ज़रूरत है, ना इसमें से बीज निकालने की ज़रूरत है, और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। और देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा फटाफट से ये निकल जाता है। 2 से 3 मिनट में ही ये जूस निकल कर तैयार हो गया था। तो सिंपल सभी को हम बीच में से काट लेंगे ऑरेंज को, और इनको हम गोल गोल घुमाते हुए सारे जूस को निकाल लेंगे। और हम जब भी मिक्सी में जूस निकालते हैं, उसमें हमें थोड़ा बहुत पीसने के लिए पानी ऐड करना होता है, पानी यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी पानी भी यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल ओरिजिनल जूस आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम इस सिंपल तरीके से ऐसे बना रहे हैं। और आपको देखकर भी पता चल रहा होगा कि इस ऑरेंज जूस को निकालना कितना ज़्यादा आसान है। तो सारे जूस को हमने सिंपल तरीके से निकाल लिया है। तो सारे ऑरेंज का जूस निकल गया है। गिलास को मलक निकाल देंगे और एक बड़ा सा बाउल लेंगे, और इसमें सबसे पहले हम जूस को छान लेंगे, क्योंकि जूस को छानना ज़रूरी है, इसमें बीज है। तो किसी भी स्पून की हेल्प से इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और सारे जूस को इसमें से निकाल लेंगे, और इसके बीज और पल्प को हम छान कर अलग निकाल देंगे। जूस निकालने के लिए मैंने मीडियम साइज़ के 5 ऑरेंज यूज़ किए थे, तो मैंने गिलास में इसको चेक किया तो 2 गिलास जूस बनकर हमारा तैयार हुआ है। ये ऑरेंज काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, तो मैंने इसमें ना चीनी यूज़ किया और ना ही इसमें मैंने नमक यूज़ किया है। आप अपने ऑरेंज के टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको लगता है इसमें मीठे की ज़रूरत है, तो आप इसमें थोड़ा शुगर पाउडर और थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। बट मैंने इसमें कुछ भी आज यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल ओरिजिनल प्योर जूस घर पर बनकर तैयार हुआ है, और यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है, और पीने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है बनाना। और आपने देखा, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये आज मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपके पास मिक्सर जूसर भी नहीं है, तो सिंपल तरीके से आप इसको सिर्फ एक गिलास की हेल्प से जूस निकाल सकते हैं। तो आई होप आज की ये वीडियो जूस निकालने की आप सभी को पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। मेरी रेसिपी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।